दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो कि 5,000 से 8,000 के बीच में एक मोबाइल खरीदने के लिए और जिसमें दमदार बैटरी हो, तो आपके लिए बेटर चॉइस है कि स्मार्टन टी का पी नाम का एक मोबाइल लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 8,000 रुपए में मिल जाएगा और 17 जनवरी से इसका लॉन्चिंग है फ्लिपकार्ट में। आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको कंपेयर करके ये दिखाऊंगा कि देश का फोन रेडमी 5N और डी का भी एक फोन आया था, उन तीनों के साथ मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा कि कौन सा आपको बेस्ट है। एक 5,000 में मिल जाएगा, एक आपको 6,000 में मिलेगा और एक 8,000 में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा फोन आप ले रहे हैं। अभी हमारे पास इतने सारे चॉइस हैं 7 से 8 हजार में कि आप कोई भी फोन ले सकते हैं, और इस फोन को स्पेशली टक्कर दे रहा है कि आपका रेडमी 5 और 10 और डी के साथ, जिसमें एक फीचर ये है यहाँ पे 5,000 mAh की बैटरी है। तो ये कंपेरिजन में आज करा रहा हूँ टी फोन पी, रेडमी 5 और 10 और डी के साथ। दोस्तों ये देखिए, इन तीनों फोन में सबसे ज्यादा बैटरी 5,000 mAh के टी फोन पी में है और रेडमी 5A में 3,000 है और 10 और डी में 3,500 mAh है, जिसमें टी फोन पी में स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और रेडमी 5A में 425 क्वाड कोर है, और जबकि 10 और डी में 425 क्वाड कोर ही है। तीनों में सेम रैम एंड रोम है, 3GB 32, 3GB 32 एंड 3GB 32। टी फोन पी और 10 और डी का स्क्रीन 5.2 इंच का HD डिस्प्ले है, जबकि रेडमी 5 का 5 इंच का डिस्प्ले है। कैमरा दोस्तों सब में सेम है, 13 MP बैक में और फ्रंट में 5 MP है। टी फोन पी में फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि रेडमी 5A में नहीं है, जबकि 10 और डी में है। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये चीज है कि टी फोन पी जो है वो आपको लगभग 8,000 में मिल जाएगा, और जो देश का फोन रेडमी 5A ये आपको 7,000 में मिलता है, और 10 और डी ये भी आपको 7,000 में मिल जाएगा। मैं कुछ और स्पेसिफिकेशन इसका बता देता हूँ दोस्तों, जिसमें कि मेटल बॉडी है और इसमें टी क्लाउड जो उनकी खुद की क्लाउड है, 1000 GB तक आप स्टोरेज स्टोर कर सकते हो अपनी फोटो वीडियो जो भी है। यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग दिया गया है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गीक रंजीत की तरफ से अनबॉक्सिंग है, ये मेरा खुद का नहीं है। And this is known as the T Phone P. And hi there, this is Ranjit, and in this video we'll be doing the unboxing for this new budget-oriented smartphone from Smartron. And this is known as the T Phone P, and the P actually stands for power, because this one is having a huge 5,000. वहाँ पे मिल जाएगा। ये कुछ रिव्यू दिया गया है इंडिया टुडेज की तरफ से और गैजेट्स डायरी की तरफ से। इंडिया टुडे वाले कहते हैं कि 7900 में बेस्ट प्रॉमिस है, सॉलिड मेटल बिल्ड, मैसिव 5000 mAh बैटरी दैट प्रॉमिस टू कीप यू। ये कह रहे हैं कि 5000 mAh में 8000 में बढ़िया फोन है, और अंडर 8000 स्मार्टफोन में 5.2 इंच का स्क्रीन है, और जो कि ये भी सेम चीज बोल रहे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट ये है 1000 GB का वो दे रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट रिव्यू भी है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था वीडियो दोस्तों। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 16 घंटे का वीडियो प्लेबैक है, 36 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक, टॉक टाइम आप 40 घंटे तक कर सकते हो, स्टैंड बाय 350 आवर्स कर सकते हो जो 3G में होगा, और ब्राउज अगर आप करते हो तो वाईफाई के साथ आप 24 घंटे तक ब्राउजिंग कर सकते हो। ये एड्रिनो 505 GPU दिया गया है, तो गेम भी आपका ठीक ठाक चल जाएगा। उसके बाद ये सारे स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे कुछ फोटोज दी गई है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि 5.2 इंच का HD स्क्रीन है, ये लो लाइट फोटो के लिए भी परफेक्ट है। ये कहते हैं कि LED फ्लैश फॉर बोथ कैमरा, फ्रंट में भी है और
बेक में भी फ्लैश है जो कि शूटिंग मोड भी दिया गया है। दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये ओटीजी रिवर्स चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि आप इसको पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आप और कोई किसी डिवाइस को चार्ज करना है तो इससे आप चार्ज भी कर सकते हो। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो आपको कॉल में भी काम आता है और फोटो खींचने में भी काम आता है। अगर आप टच करते हो कॉल रिसीव हो जाएगा, और फोटो खींचते टाइम अगर फिंगरप्रिंट को टच करते हो तो सेल्फी वगैरह आप खींच भी सकते हो। आपको अगर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो फोन T-Phone P आप ले लीजिए। अगर आपको UI बढ़िया चाहिए तो Redmi 5A लीजिए। अगर ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस के 1000 कम में चाहिए तो आप 10 और D ले लीजिए। तीनों ही बढ़िया फोन है, आप अपने हिसाब से चॉइस करिए और फोन लीजिए। और अगर आपने टेक्निकल मोटिवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।